तो कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 12 जो नई बुक अकॉर्डिंग है, और चैप्टर नंबर 13 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का नाम है। इसके पास से एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स हमने कर लिए ऑलरेडी। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूले का रिविजन कर लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला यही, लिमिट एक्सटेंड टू ए एक्स एन माइनस ए एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, यानी कि इसका क्या होता है, एन ए की पावर एन माइनस वन, फिर साइन एक्स बाई एक्स एक्सटेंड टू जीरो वन होता है, ऐसी तरह से टेन का वन होता है, और वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स का जीरो होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे करेंगे? तो इसमें सिंपल पाई रखा हमने, तो हमारा आएगा पाई माइनस 22 बाई 7। कैसे? यहाँ पर पाई रख दिया सिंपल। अब काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें रख देंगे वैल्यू, वो भी सही है, नहीं रखते तो भी सही है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है, इसमें हमें बोला है माइनस वन रख एक्स की, और क्वेश्चन हमारा एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, सिंपल वैल्यू रखना है। तो माइनस वन की पावर 10 रखी हमने, प्लस माइनस वन की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? ऊपर माइनस वन की पावर 10 क्या होता है, प्लस 1 होता है हमारा, तो 1 और ये माइनस 1 हो गया। अब माइनस वन प्लस वन वापस से, और नीचे वन माइनस, ठीक, तो वन से माइनस वन गया, वन बाय माइनस टू आया, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें हमें बोला है एक्स प्लस वन की पावर 5 माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, और एक्स टेंड टू जीरो है। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो क्या है कि एक्स प्लस वन अगर एक चीज होती तो कुछ बन रहा था, ये एक्स की पावर लाइक ऐसा बन जाता, एक्स की पावर 5 माइनस वन की पावर 5, तो हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला लग जाता जो पहले पढ़ा है हमने सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस वन करेंगे और माइनस वन करेंगे। अब जब हम ये कर देते हैं तो देखो कैसे होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा एक्स प्लस वन की पावर 5 माइनस वन और एक्स प्लस वन माइनस। अब ये जो वन है इसे हम वन की पावर 5 भी लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, और यहाँ पर क्या है हमारा लिमिट एक्सटेंड टू जीरो। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो यदि हम एक्स प्लस वन को एक नया वेरिएबल मान ले, फॉर एग्जांपल वाई मान लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन मान लिया आपने, तो ये वाई की पावर 5 माइनस वन की पावर 5 हो जाएगा, नीचे वाई भी माइनस वन हो गया। तो हमने ये करा, अब एक्स यदि जीरो को टेंड कर रहा है तो वाई किसको करेगा, वही हमारा करेगा वन को, क्यों? क्योंकि जीरो हम यहाँ रखते हैं, तो क्या आएगा हमारा, वन आएगा। तो जब हमने ये रखा तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट वाई टेंड टू वन, और यहाँ लेट लिख लेना क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है, हमने अपनी तरफ से माना है इसलिए, तो वाई टेंड टू वन, और उसके बाद यहाँ पर वाई की पावर 5 माइनस वन, और नीचे वाई माइनस वन। अब फॉर्मूला सिंपल लग गया, एन यानी कि 5, ए यानी कि 1 और पावर n माइनस 1, तो हमारा हो गया 5 1 की पावर 4 यानी कि 5 आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बोला x की पावर 4 माइनस 81, ठीक है, नीचे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और लिमिट क्या है x टेंड टू 3। तो इसके बाद हम जब ध्यान से देखें इसे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम 3 रखें तो 3 की पावर 4 81 ही होता है, 81 माइनस 81 जीरो हो गया ऊपर, तो नीचे क्या है, यहाँ पे रखा 2 इंटू 9 18 हो गया, माइनस 15 3 हो गया, 3 माइनस 3 जीरो हो गया, तो हमारा क्या आया, 0 बाय 0 की फॉर्म आई। और जब 0 बाय 0 की फॉर्म आती तब हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ध्यान से देखो कैसे करना है ये वाला, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स एक जगह गलती कर देते हैं, वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ पर करते हैं। तो ये होगा इस तरह से, एक्स की पावर 4 पहले तो 81 क्या है हमारा, 9 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख लेंगे इस टाइप से, x की पावर 2 की पावर 2, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, इसलिए। और यहाँ पर लिमिट तो है ही, लिमिट x टेंड टू 3, x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 9 का स्क्वायर, नीचे हम जब इसे करेंगे, अब देखना है स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 5x लिखा हुआ है और यहाँ 3 और 2 लिखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो सिंपल सिंपल 3 और 2 सोच लेंगे कि 3 और 2 में मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देंगे ये 5 को,
तो क्या हो जाएगा उसका मल्टीप्लाई, ठीक है, पर यहीं पर गलती करते हैं आपको ये नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये सिंपल वाला नहीं आएगा, हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि उनका मल्टीप्लाई जो आए वो माइनस में आए, क्योंकि माइनस और यहाँ पर प्लस ओवरऑल माइनस है ना, तो हम इसे माइनस टू माइनस थ्री नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे सिक्स माइनस सिक्स प्लस वन। अब देखो कैसे, माइनस टू और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, सिक्स आता है पॉजिटिव, और इनका क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, माइनस थ्री और टू का माइनस सिक्स, तो ये दोनों आपस में माइनस सिक्स और सिक्स इक्वल नहीं है, इसलिए माइनस सिक्स और प्लस वन कराया हमने, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, माइनस सिक्स ही आएगा, जो बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से इजीली हमारा ये सॉल्व होता जाएगा। तो हमने लिखा ये सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, अब ऊपर को फैक्टराइज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसलिए हम लिख देंगे हमें इसे लिमिट एक्स टेन टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। इसके बाद नीचे यहाँ पर 2x कॉमन आया आपके नहीं, और x माइनस थ्री इसमें अंदर रह गया प्लस वन एक्स माइनस थ्री। अब ऊपर जो है वो एक और बार फैक्टराइज हो सकता है, कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, नाइन भी हमारा किसी का स्क्वायर है, यानी कि थ्री का स्क्वायर है, तो नाइन क्या है हमारा थ्री का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा x प्लस थ्री और x माइनस थ्री। अब ये लिखा है हमने x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और ये एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। अब नीचे कॉमन ले तो वन और टू एक्स, टू एक्स प्लस वन कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया x माइनस थ्री। अब ध्यान से देखो x माइनस थ्री ऊपर भी आ रहा है, x माइनस थ्री नीचे भी आ रहा है, तो आपस में कट जाएंगे। अब अगर हम वैल्यू रख के देखें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, x प्लस थ्री सिक्स हो गया और ये 18 हो गया, तो इनकी मल्टीप्लाई करें कोई नहीं आ रहा, नीचे भी कुछ नहीं हो रहा, तो हम करेंगे अब वैल्यू रखी 3 प्लस थ्री और यहाँ पर थ्री स्क्वायर प्लस नाइन, तो आया 3 इंटू टू थ्री इंटू थ्री प्लस वन और ये आया 6 इंटू 18 ठीक और नीचे 10। अब ये आएगा 108 अपॉन में, ठीक है हो गया। ये गलती नहीं करनी है, ये स्टार मार्क करके लिख लेना एक बार, क्योंकि ये काफी सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें बोला है लिमिट z 10 टू 1 z की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 और z की पावर 6 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे z की पावर 1 बाय 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये जो 3 है 1 बाय 3, हाँ या नहीं, हाँ माइनस 1 का स्क्वायर और ये नीचे z की पावर 1 बाय 3 सॉरी z की पावर 6 1 बाय 6 माइनस 1। अब इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस वही, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमने इसे लिखा z की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 z की पावर 1 बाय 3 प्लस 1 और नीचे हमारा z की पावर 1 बाय अरे 6 6 माइनस 1, ये कट गया और यहाँ पर लिमिट तो है ही। अब 1 रख दो यहाँ पर, 1 की पावर 1 बाय 6 क्या होगी, 1 ही होगी, 1 प्लस 1 1 की पावर 1 बाय 6 1 प्लस 1 हमारा हो गया 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा x टेन टू माइनस 2 1 बाय x प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब जहां तुम इसे सॉल्व करोगे तो देखोगे इसका 0 बाय 0 ही फॉर्म आएगा, तो इसलिए हम इसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे, पहले तो फैक्टराइज वगैरह करेंगे, तो क्या करेंगे तो यहाँ पर देखो, पहले तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि इनका एलसीएम लिया जा सकता है, तो लेते हैं, चलो लिमिट एक्स टेन टू माइनस टू और ये हमारा हो गया
एलसीएम ले दिया हमने तो x प्लस टू डिवाइड बाय 2x और नीचे x प्लस टू। अब ये जो x प्लस टू है ये इसे काट देगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड टू माइनस टू वन बाय टू एक्स, x की जगह माइनस टू रखा, वन बाय टू इंटू माइनस टू यानी कि वन बाय माइनस फोर, हो गया इजी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान, साइन ए एक्स बाय बी एक्स है और लिमिट क्या है x टेंड टू जीरो। अब हमें पता है अगर x होता यहां पर और नीचे ए एक्स होता तो क्या हो जाता हमारा, ये वैल्यू वन हो जाती, तो इसलिए हम वही बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन ए एक्स और यहां पर इंटू वन बाय सॉरी ए एक्स बाय ए एक्स से करा मल्टीप्लाई और यहां पर बी एक्स है। अब ये जो है यदि x टेंड करेगा जीरो को तो ए एक्स भी टेंड करेगा किसको, जीरो को, तो इसलिए ये वन हो गया। अब यहां पर क्या बचा, लिमिट x टेंड टू जीरो ए एक्स बाय बी एक्स, x से x गया, लिमिट x टेंड टू जीरो ए बाय बी। अब x तो कहीं पर है नहीं तो a बाय बी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तो ये सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 का जो सेकेंड पार्ट है या फिर फर्स्ट पार्ट है, हाँ एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, लिख लो और फिर जरूर सॉल्व करना, देखो होमवर्क हो गया ये आपका। बाकी क्वेश्चन जो नहीं कराए वो भी आपके होमवर्क है, ध्यान से करने हैं वो, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे देन ये भूल जाओगे, और कम से कम दो बार करना है जिससे कि आपको ये याद रहे कि करना क्या है किसी भी क्वेश्चन में, एक अप्रोच होती है वो आपको पता चल जाती है। अब इसमें साइन ये बोला है लिमिट x टेंड टू पाई है और आगे साइन पाई माइनस एक्स पाई पाई माइनस एक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या है कि अगर हम ये रख दें पाई तो क्या होगा, साइन जीरो बाई जीरो, जीरो बाय जीरो की फॉर्म हो गई, यानी कि अब जीरो बाय जीरो की जब फॉर्म हो गई तो हम इसे नॉर्मल नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, जो पाई माइनस एक्स है हमारा हम उसे वाई मान लेंगे, पाई माइनस एक्स को क्या मान लिया हमने, वाई। और यदि एक्स टेंड टू पाई है तो वाई टेंड टू क्या होगा, पाई रखो यहां पर एक्स की जगह पर क्या आया, जीरो, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू जीरो साइन पाई पाई नहीं y डिवाइडेड बाय पाई y। अब ध्यान से देखो x टेंड अरे यहां पर भी y हो गया है ना, अब y टेंड टू जीरो और ये पूरा है तो ये क्या होता है, वन होता है, तो हमारा क्या आ गया, लिमिट y टेंड टू जीरो वन बाय फाइव, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, वन बाय फाइव हो गया, सिंपल कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड टू जीरो cos 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय cos x माइनस वन। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है कुछ की दुखती रखो पर कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x के थ्री फॉर्मूले थे, हाँ या नहीं। अब जो थ्री फॉर्मूले थे उनमें एक साइन में था, एक cos में था और एक tan में था, तो जो साइन cos वाले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं देखो, तो जो cos वाला है हम वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा नीचे क्या है cos x है, इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, कर लिया होगा। अब देखो ध्यान से यहां पर क्या है, तो cos 2x को हमने क्या रखा, इसको हम रखते हैं लिमिट x टेंड टू जीरो और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस वन और माइनस वन एक्स्ट्रा है ये एक और नीचे cos x माइनस वन। अब यहां पर देखो ये क्या हो गया हमारा, माइनस टू हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, लिमिट x टेंड टू जीरो 2
cos square x माइनस टू और नीचे cos x माइनस वन. अब ऊपर से टू कॉमन आ रहा है, पहले तो लिखा हमने लिमिट x टेंड टू जीरो और टू कॉमन cos square x माइनस वन और नीचे cos x माइनस वन. अब वापस से कुछ नई चीज तो नहीं बनी, पुरानी चीज ही है ये कुछ a square माइनस b square, क्योंकि 1 जो है हमारा वो 1 स्क्वायर के भी बराबर है. तो क्या लिखेंगे हम इसको, 1 स्क्वायर लिखेंगे. अब कैसे लिख देंगे इसे, लिमिट x टेंड टू 0 टू cos x plus 1 और cos x minus 1 डिवाइडेड बाय cos x minus 1. cos x minus 1 से cos x minus 1 गया. अब सिंपल x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो क्या आएगा, लिमिट x tend to 0 to cos x plus 1 है, x की वैल्यू रखी 0 to cos 0 plus 1 और cos 0 क्या होता है हमारा, cos 0 होता है हमारा 1. तो ये आ गया हमारा 2 into 1 plus 1 यानी कि 2 into 2 यानी कि 4. आया समझ, आ गया होगा, बढ़िया. अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो प्यार से. लिमिट x टेंड टू 0 ax plus x cos x डिवाइडेड बाय b sin x, ये है हमारा. तो यदि हम 0 रख दें तो क्या आएगा, 0 0 तो 0 हो गया, नीचे sin x की वजह से 0 हो गया. तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, है ना. तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो x कॉमन आ रहा है ऊपर से, लेते हैं लिमिट x टेंड टू 0 x a plus cos x और नीचे b sin x. अब sin x का तो हमें पता है कि डिवाइड बाय x कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है. लिमिट x tend to 0 x a plus cos x b sin x मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय x. अब ये वाला जो x है ये इसे काट देगा पहले तो, और ये जो बचा ये क्या हो गया हमारा 1. अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास जो बचेगा वो है हमारा लिमिट x tend to 0 a plus cos x अपॉन में भी रखा हमने 0 रखा a plus cos 0 डिवाइडेड बाय b a plus 1 बाय b हो गया, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन है x tend to 0 x sec x, कहते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अब लिमिट रख देते हैं डायरेक्ट, इसमें तो डायरेक्ट रख 0 into sec 0 यानी कि 0 into 1 और ये 0. आगे बढ़ो, हाँ तो ये बढ़िया क्वेश्चन आया, लिमिट x tend to 0 sin ax plus bx डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स, हाँ ठीक है. तो अच्छा ये तो अब ध्यान से देखना इस पे क्या करना है हमें, और यहाँ पर कुछ और भी चीज बता रखी है, वन ये ए बी और ए प्लस बी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है. तो यदि तुम जीरो मानने की सोच रहे हो तो वो मना कर रहा है कि ऐसा नहीं करना तुम्हें, ठीक है कोई बात नहीं, हमारा तो हो जाएगा. सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लिया x tend to 0 sin ax plus bx, ax plus sin bx. ऐसा करो तुम मेरे से पहले ट्राई करो, क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन कराया काफी ज्यादा, तो करो ट्राई फटाफट, कर लिया होगा बढ़िया. अब देखो ध्यान से, जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मैं करा ही रहा हूँ, और जिन्होंने कर लिया एक बार चेक कर लो कि कैसे करा है तुमने, अगर कोई गलती तुमने करी है तो वो सही कर लो, ठीक है. x tend to 0 है यहाँ पर, ax जो है इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ax से ऊपर ax से नीचे, और नीचे bx में bx से ऊपर मल्टीप्लाई bx से नीचे मल्टीप्लाई. देखो लिमिट x tend to 0 sin ax मल्टीप्लाई बाय ax डिवाइड बाय ax प्लस bx. अब यहाँ पर ax प्लस साइन
बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स डिवाइड बाय बी एक्स। अब एक चीज तुम्हें मैं बता दूं कि यदि डिवाइड में होता है ये लिमिट तो दोनों जगह बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर भी लिमिट आएगी यहाँ पर भी लिमिट आएगी, और अगर प्लस में है तो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लिमिट को इस पे लगाकर सॉल्व कर देंगे और होल लिमिट फिर कॉमन ले लेंगे। जिनको समझ नहीं आया मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखो लिमिट पहले तो इन दो जगहों पे जाएगी और उसके बाद इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो पहले इसे सॉल्व करेगी और फिर लिमिट वापस से कॉमन आ जाएगी पूरे में से, ठीक है। तो देख लो अब आगे क्या होगा, लिमिट x टेंड टू जीरो फाइव साइन ए एक्स बाय ये क्या हो गया वन हो गया, वन की मल्टीप्लाई ए एक्स से हुई क्या हो गया ए एक्स हो गया, उसी टाइप से नीचे हो गया ए एक्स है या साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स, ये क्या हो गया वन हो गया और वन इंटू बी एक्स बी एक्स हो गया। अब एक्स कॉमन है सब में से, ऐसे कर देते हैं, नहीं तो दिखा देते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी एक्स एक्स से एक्स गया, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ए प्लस बी से ए प्लस बी वन, यानी कि वन आ गया हमारा, ठीक है। अब वन जब आ गया तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कोसेक एक्स माइनस कॉट। तो कोसेक का हमें पता है कि साइन वन बाय साइन होता है, और कोसेक क्या होता है कॉट क्या होता है हमारा कॉस अपॉन साइन होता है। करते हैं वैसे ही नॉर्मल तरीके से, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो वन बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब या तुम्हें इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लो, या फिर जो एक और चीज बताई थी उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि इनका एलसीएम हो गया पहले तो, और ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हम नीचे एक्स बाय एक्स से कर दिया, ऊपर एक्स बाय एक्स से हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो और ये वन। अब लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और यहाँ पर ये जीरो इंटू एक्स हो गया और ये वन इंटू एक्स हो गया, एक्स एक्स गया पहले ही और ये फिर आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाय टू और यहाँ पर टेन टू एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस पाई बाय टू। अभी जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो तो कह रहे होंगे सर ये कैसे होगा, और जिनको थोड़ी बहुत आती है वो समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम पाई बाय टू रख दें तो वो जीरो बाय जीरो हो जाएगी, पाई बाय टू का मल्टीप्लाई क्या होता है टू, टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा पाई आएगा, और टेन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी जीरो होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम एक्स माइनस पाई बाय टू को वाई रख देंगे। अब जब हम वाई रखेंगे इसको तो क्या होगा, एक्स पाई बाय टू को कर रहा है तो x यदि पाई बाय टू को टेंड करे तो y किसको करेगा जीरो को, हाँ कि नहीं। अब लिमिट लिखी हमने, लिमिट y टेंड टू जीरो, अब यहां पर जो x है ये भी देखना, तो हम x को कैसे लिखेंगे y प्लस पाई बाय टू, तो टेन टू बाहर और अंदर पाई बाई टू प्लस वाई, ठीक है, और नीचे हमारा आ गया वाई। अब यहां देखो टू यदि अंदर जाए तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, ये लिमिट वाई टेंड टू जीरो और अंदर ये टेन पहले तो फिर अंदर पाई प्लस टू वाई और नीचे वाई, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब पाई प्लस टू वाई टेन में क्या होता है बता देता हूं थोड़ा सा, ये क्वाड्रेंट होते हैं कुछ ऐसे, इसमें पॉजिटिव होता है टेन, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो यदि पाई होता है यहां पर, जीरो होता है यहां पर, यदि इससे इधर को जाएं
तो 10 किस में जा रहा है? पॉजिटिव वाले में. तो हम क्या लिखेंगे इसे? लिमिट y टेन टू जीरो 10. यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो कोई निशान नहीं लिखना. 2y by y. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है पर नीचे नहीं है, तो क्या करेंगे? सिंपल, मल्टीप्लाई 2 से और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई. और जब y टेन करेगा 0 को तो 2y भी किसको करेगा? 0 को. ये क्या हो गया हमारा? 1. लिमिट y टेन टू 0 1 into 2, यानी कि 2 ही हमारा हो गया. अब अगला क्वेश्चन देखो. तो अगला क्वेश्चन नहीं है, अब पहले तो कंडीशन है. जो क्वेश्चन नंबर 22 तक है वो सारे तुम कर लोगे. उसके बाद एक कंडीशन आ जाती है कि कोई फंक्शन है तो उसमें लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी. तो उसके लिए फॉर पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लो x के लिए हमें निकालना है, तो उसके लिए हम दो लिमिट्स निकालते हैं. एक तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट. तो उनका फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स माइनस एच लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए एफ एक्स प्लस एच एच टेन टू. अब काफी सारे स्टूडेंट को नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं. देखो आगे सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन तभी आएगा. एक बार पहले तो ये देखो, पढ़ो इसे, याद कर लो, फिर मैं बताता हूँ. देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा. अब आगे बढ़ो. तो इसमें हमें बोला है कि लिमिट एक्स टेन टू जीरो निकालो एफ एक्स की और एक्स टेन टू वन निकालो एफ एक्स की, जिसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 है जब x की वैल्यू 0 या फिर 0 से कम हो, और 3x प्लस 1 है जब x की वैल्यू किससे जितनी हो, 0 से ज्यादा हो. इसे सॉल्व करने का देखो, सबसे पहला पार्ट तो यही हो जाएगा. ये पहला पार्ट किसका ले हो जाएगा? लिमिट x टेन टू 0 के लिए एफ एक्स, ठीक है. तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो देखो कैसे अप्लाई करता है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो हमें 0 पे निकालनी है, तो 0 के जस्ट कम वाला कौन सा नंबर होगा? ये होगा अराउंड माइनस का 0.00001, कुछ ऐसा नंबर होगा. तो वहां पर देखो कि कौन सा अप्लाई होगा. तो वहां पे 0 से कम वाले के लिए कौन सा अप्लाई होगा? ये वाला होगा. तो ये जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, और 0 से ज्यादा वाले में यानी कि ये कुछ होगा 0.001 आया नहीं, क्योंकि जब h अप्रोच करेगा ना 1 को 0 को, तो क्या होगी उसकी वैल्यू? बहुत कम होती है, बस 0 के जस्ट पास होती है. पर हम यहाँ पर किससे एग्जांपल से सॉल्व करेंगे? h को हम 0.5 मानेंगे, क्योंकि आपको जो मेनली सॉल्व करना है ना वो इंटीजर्स पे सॉल्व करना होगा. तो हम h की वैल्यू 0.5 लेके चलते हैं, उससे ना हमारा सॉल्यूशन इजीली हो जाता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है. लाइक 0.5 है तो वो किस में आएगा? ऊपर वाले में आएगा, नीचे वाले में आएगा? तो वो नीचे वाले में आएगा. क्यों? क्योंकि 0.5 किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, इसलिए, ठीक है. तो अब मैं बताता हूँ कैसे होगा. अब एट एक्स इक्वल टू 0 लिखा, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी कुछ ऐसे कि लिमिट एच टेन टू 0, सिंपल यही वाला लिख देना है. यहाँ पर जो लिखा हुआ है सिंपल यही, और ये एफ एक्स माइनस एच. अब h का हमें पता है 0.5 के अराउंड वैल्यू है, तो यदि मैं x को 0 रखूं तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? माइनस 0.5, और माइनस 0.5 किस में आएगा? ऊपर वाले में. यानी कि हम जब रखेंगे तो ये हमारा आएगा 2 x माइनस एच प्लस 3 और लिमिट h टेन टू 0, ठीक. अब यहाँ पर पहले ही हम x की वैल्यू भी रख देते हैं कि एफ एक्स हमारा क्या है, x हमारा है 0, x है हमारा 0. तो पहले हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो लिमिट h टेन टू 0 f 0 माइनस h. अब ये देखा, लिमिट h टेन टू 0 और 0 माइनस एच एफ माइनस का h. तो जब ये माइनस का, तो कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली अभी बताया, 2 h प्लस 3, और यहाँ लिमिट h टेन टू
जीरो, ये आया टू इंटू जीरो प्लस थ्री यानी कि थ्री। अब राइट हैंड देखना, अगर लेफ्ट हैंड वाला हो जाता है तो राइट हैंड काफी ज्यादा इजीली हो जाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं, सिर्फ तीन से चार बार सॉल्व करना है तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अगला लेफ्ट राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, x एट x इक्वल टू जीरो पे, ये सिंपल ऐसे ही, लिमिट h टेंड टू जीरो f x प्लस h। अब x की वैल्यू हमने जीरो लिखी एट एट h x इक्वल टू जीरो, यदि x जीरो है तो क्या आएगा, यहाँ पे x रखा हमने जीरो, लिमिट h टेंड टू जीरो f जीरो प्लस h, यानी कि हमारा है थ्री देखो ध्यान से पहले यहाँ क्या कहते हैं, आपको ये थोड़ा सा एग्जाम में ज्यादा लिखना पड़ेगा, ये जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं इन वालों में, लिमिट h टेंड टू जीरो थ्री और ये h प्लस वन। अब यदि आप वैल्यू रख दो डायरेक्ट तो थ्री जीरो प्लस वन इक्वल टू थ्री। अब यहां पे देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहां पर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमने लिख दिया तो हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जीरो की यानी कि जो यहां पर आ रही है थ्री यानी कि होगा। ओके अगला क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है, हाँ इसका सेकंड पार्ट रह गया ये वाला, तो करते हैं कोई बात नहीं, सिंपल वही, पहला तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, क्या होगा ये, लिमिट h टेंड टू जीरो f x माइनस h, और इधर साइड राइट हैंड लिमिट जो कि हमारा लिमिट h टेंड टू जीरो f x प्लस h, x रखा हमने वन। अब यदि हम x वन रखें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू जीरो f वन माइनस h, और h क्या है हमारा, हमने जो हम मान के चल रहे हैं 0.5, तो 0.5 अगर हम माइनस करें तो वो इधर आएगा इधर आएगा, वो जीरो के बराबर या छोटा है या फिर जीरो से बड़ा है, तो वो जीरो से बड़ा है तो इसलिए वो इस वाले कैटेगरी में जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेन टू जीरो थ्री वन माइनस h प्लस वन, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया, इसके बाद हम h की वैल्यू रखते हैं, रखी हमने h की वैल्यू लिमिट थ्री वन माइनस जीरो प्लस वन, यानी कि वन से बन गया जीरो बचा जीरो। इसके बाद इस वाले साइड क्या आया, लिमिट h टेंड टू जीरो और f एट f x इक्वल टू वन एट x इक्वल टू वन, ये आया हमारा x प्लस यानी कि x नहीं 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच हमको क्या वैल्यू देगा, जो हम मान के चलते हैं 1 प्लस 0.5 1.5 यानी कि, और 1.5 भी किसमें आएगा, 0 से बड़े वाले में, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे 3 लिमिट h टेंड टू 0 पहले तो 3 1 प्लस एच प्लस वन, और यहां भी क्या आएगा, ओहो हो यहां पर टू आएगा, ध्यान से देखो वन प्लस वन है तो टू आएगा, थ्री इंटू टू सिक्स है यानी कि यहां जीरो नहीं है, तो थ्री वन प्लस वन टू, लिमिट एच टेन टू जीरो है मतलब रख ही दिए हमने तो सिक्स आया,
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो फिर हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी f1 की, ये हो गई 6. इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमें बोला लिमिट एक्सटेंड टू 1 है, उसके बाद fx, और वेयर लिमिट एक्सटेंड टू 1 fx निकालना है, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 जब x लेस देन या इक्वल टू हो 1 के, और माइनस x स्क्वायर माइनस 1 जब x क्या हो ग्रेटर देन है 1 के. तो चेंज कर लो बहुत देर से उसका, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h. राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1. अब x इक्वल टू 1 देखें तो 1 में से h हटा दो तुम, h क्या था, h था हमारा 0.5, तो h जब हमने हटाया तो हमारा क्या आया, हमारा आया 0.5, वो क्या होता है 1 से छोटा, तो ये वाला ऊपर वाला लगेगा. अब जब ऊपर वाला हम लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले तो ये लिखा लिमिट h टेंड टू 0 f 1 माइनस h, तो ऊपर वाला लगाया हमने, ये हमारा आया लिमिट टेंड टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस का 1, h की वैल्यू रखो 0, क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये तो रख दी ना हमने, ये आएगा हमारा 1 माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0. ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, तो राइट हैंड लिमिट 1 है, उसमें 0.5 तुमने प्लस कर दिया तो क्या आएगा 1.5, और 1.5 क्या होता है 1 से तो बड़ा है वो, तो हमने क्या रखा ये वाला फॉर्मूला, हम इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला रखेंगे, ये वाला. तो हमने जब ये रखा तो क्या आया, पहले तो x इक्वल टू 1 लिखा हमने 5 1 प्लस h, ये है हमारा लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस h. अब ठीक है, अब हमने रखा ये तो यहां पर आया माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड, और यहां पर लिमिट h टेंड टू 0, तो जब हमने ये रखा तो h की वैल्यू 0 रखी, माइनस 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 आया माइनस 2 आया. अब यहां पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो क्या होगा हमारा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट. अगला क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट x की x टेंड टू 0 fx, fx की वैल्यू क्या है, मॉड x बाय x, और मॉड x का तुम्हें पता होगा कि मॉड x का मतलब होता है कि यदि x पॉजिटिव है तो x के इक्वल होगा. मॉड x का फंक्शन जो है तुम्हें चैप्टर सेकंड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बता देता हूँ, उसका मतलब होता है x, यदि x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x यदि x लेस देन 0 है. ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, मॉड्यूलस फंक्शन. तो इसमें देखो, इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि, और हमें एफ एक्स जीरो दे ही रखा है, तो हमें बताना है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स क्या होगा, देखते हैं क्या होगा. पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 और फिर एफ एक्स माइनस एच, और एट एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f माइनस h,
माइनस है यानी कि माइनस 0.5, और वो किस में आएगा जब 0 नॉट इक्वल है। तो अब हमने ये रखा तो ये क्या आया, लिमिट h टेंड टू 0, और ऊपर है हमारा माइनस h ये, और नीचे h। अब माइनस है यहाँ पे, तो माइनस क्या होता है, 0 से छोटा है, तो उसमें एक और माइनस लगेगा जिसकी वजह से ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h बाय माइनस का h। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आया, माइनस 1 आया, ठीक। और इसके अलावा जो आर एच एल है वो भी कुछ ऐसे ही चलेगी, आर एच एल है लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h, इसके बाद x इक्वल टू 0, ये हमारा आया लिमिट h टेंड टू 0 f h यानी कि मॉड h बाय h, और लिमिट h टेंड टू 0। अब इसका क्या हो जाएगा, h ही हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन है, तो हमारा आया लिमिट h टेंड टू 0 h बाय h यानी कि लिमिट वन आया, ये कट गया वन आया, वन आ गया हमारा। अब हम देखें तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन एक बार पहले देख लो दोबारा, शायद जल्दी हो गया, हो गया ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड टू 5 fx, वेयर fx मॉड x माइनस 5 बोला है, तो इसका भी सिंपल हो जाएगा। पहले तो LHL निकाला, कैसे निकाला, LHL रखा हमने लिमिट h टेंड टू 0 fx माइनस h। अब x क्या है हमारा 5 है, तो यदि मैं उसमें से 5 में से कुछ हटाऊं तो 0.5 हटाया, 4.5 आया, तो क्या वो इधर कुछ चेंज करेगा, 4.5 तो पॉजिटिव होता है जैसे कि यहाँ पे बताया पहले, ये चेंज कब होगा जब यहाँ पे कम होगा, ठीक। तो मॉड एक्स जब 0 से कम होगा तब चेंज होगा, पर यहाँ पर क्या है 4.5 आया जो हमारी एच मान के चल रहे हैं, तो एट सिंपल ही रहेगा, एट एक्स इक्वल टू 5 क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा यही, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 5 माइनस h उधर रखा, मॉड 5 माइनस h माइनस 5 लिमिट h टेंड टू 0। अब इसके बाद ये रखा हमने 5 h रखा अंदर, 0 आया, 5 माइनस 0 5 का मॉड 5 5 माइनस 5 0 हो गया। इसी टाइप से राइट हैंड हो गया हमारा, कुछ इसी टाइप से हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h, और इसके बाद एट x इक्वल टू 5 लिखा, ये हमारा है लिमिट h टेंड टू 0 f f 5 प्लस h, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, इसी में आएगा लिमिट h टेंड टू 0, क्यों ये इसी में क्यों आएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू क्या आएगी हमारे अकॉर्डिंग 5.5 आएगी, और वो भी 0 से बड़ा होता है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लिमिट h टेंड टू 0 h रख देते हैं, अब रखा हमने h 5 प्लस 0 माइनस 5 यानी कि 5 माइनस 5 हो गया 0 हो गया, देखो फटाफट। और एक और बात यहाँ पे लिख जरूर देना, LHL इक्वल टू RHL यानी कि लिमिट एक्जिस्ट करेगी, और लिमिट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, एफ 5 यानी कि रूट का 5 माइनस 5 0, इस टाइप से वैल्यू निकाल भी देना, ये ज्यादा बेटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा लेट ए यानी कि ए से a1 a2 a3 करके an तक काफी सारे रियल नंबर है, उसके बाद उसने एक फंक्शन डिफाइन किया fx क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 ऐसे करके x माइनस an तक सारे। तो हमसे पूछा है कि लिमिट, पहले तो हमसे पूछा लिमिट x टेंड टू a1 क्या है, वो है हमारा fx, सॉरी fx में रखा हमने
तो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू इर ए वन, यहाँ पर x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू और आगे आगे x माइनस ए एन तक। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड टू, ये रख देते हैं, आप डायरेक्ट रख देते हैं ए माइनस ए वन, ए वन माइनस ए टू और आगे ए वन माइनस ए एन। तो जब हमने ये रखा तो ये तो जीरो हो गया, और जीरो की किससे भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है, जीरो। एक पार्ट रहेगा इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें बोला है कि ए जो है वो किसी के बराबर नहीं है, ए वन ए टू ए थ्री किसी के बराबर नहीं है, तो यानी कि अब तो जीरो होगा नहीं। तो अब क्या लिखना है, देखो लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू ए एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू और डॉट 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 एक्स माइनस ए एन। ए रखा हमने ए माइनस ए वन, ए माइनस ए टू, ए माइनस ए एन तक, और यही हमारा आंसर है। लग रहा होगा कुछ करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार कि एफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है मॉड एक्स प्लस वन जब एक्स से छोटा, मॉड एक्स माइनस वन जब जीरो से बड़ा हो, और जीरो जब जीरो। तो हमसे पूछा है कि लिमिट एक्सटेंड टू ए एग्जिस्ट करेगी, किन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमेशा उस पॉइंट का निकालते हैं जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अब ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां से फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इसमें तो एक ही पॉइंट है और वो क्या है, वो है हमारा जीरो। तो हम सिर्फ जीरो पे निकालेंगे क्योंकि जीरो से नीचे तो सेम ही फंक्शन है, वहां तो वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई करेगी ही, और जीरो से ऊपर भी सेम फंक्शन है। तो हम सिर्फ किसमें निकालेंगे, एट जीरो, एट जीरो हम निकालेंगे। सबसे पहले एलएचएल लिखा, एलएचएल किसके बराबर, क्या था हमारा लिमिट एक्सटेंड टू जीरो एफ एक्स माइनस एच। अब x की वैल्यू तो जीरो है तो क्या लिखेंगे हम इसे, लिमिट एक्स टू जीरो एफ माइनस का h। अब यदि माइनस का है तो मॉड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, उसमें गया ऊपर वाले में, हाँ या नहीं, इस वाले में जाएगा क्योंकि x से लेस देन है। इसमें हमने भेजा तो ये आया हमारा लिमिट एक्स टेन टू जीरो और यहाँ पे मॉड एच माइनस का एच प्लस वन। तो जब हम इसे रखेंगे वैल्यू तो ये आएगी जीरो प्लस वन यानी कि वन आया। अब राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट हमारी आएगी लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स प्लस एच यानी कि लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एच लिमिट एक्सटेंड टू जीरो मॉड का एच माइनस वन, ये वाला आएगा क्योंकि अब जब ये आया तो हमने रखा जीरो, रखा जीरो माइनस वन आया यानी कि क्या आया हमारा माइनस वन। तो हम लिख देंगे कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट एट, इस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है x इक्वल टू जीरो पे। तो x ये कहां कहां पर एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट विल एग्जिस्ट एट ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर तुम देखो तो इसमें हमें बोला है कि एफ एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन पाई किस पे, एक्स टेन टू वन पे है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना कि ये एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है ये, इसलिए मैंने स्टार मार्क भी कर दिया। ये अपनी बुक में भी लिख लेना चाहे फिर जिसमें तुम लिख रहे होगे उसमें लिख लेना, ये एक्सप्रेशन नहीं है, क्या है, इक्वेशन है।
और इसका क्या निकालना है, लिमिट x टेंड टू 1 fx निकालना है। ये हम इसमें दिख रहा है, हम इसे निकाल देंगे कैसे, तो ये हम यहाँ रख सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ रख नहीं रहे थे, क्यों, क्योंकि वो एक्सप्रेशन होती थी, उनकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाती थी, तो इसलिए हम यहाँ रखेंगे। अब देखो कैसे होता है, लिमिट x टेंड टू 1 है और fx माइनस 2 डिवाइड बाय स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या आया हमारा, x की वैल्यू 1 रखने पे 0 आ गया। अब 0 इधर साइड जाएगा तो क्या होगा, इधर साइड जाके ये हो जाएगा पाई इंटू 0, ये 0 हो गया पूरा, तो लिमिट x टेंड टू 1 fx हमारा हो जाएगा 2। यही निकालना है, देखने में काफी भयानक क्वेश्चन लग रहा है पर है नहीं, देख लिया कैसे होगा। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, तो इसमें हमें बता रखा है कि 0 और 1 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इसने बोला है कि हमें बताना है पहले तो m और n की किन वैल्यूज पे जो फंक्शन है वो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा उसका, और क्या, और fx x टेंड टू 1 पे किस किन इंटीजर्स पे एग्जिस्ट करेगा। तो देखो, तो सबसे पहले एट इसने बता रखा है, अब यहाँ पे देखो कि ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, यानी कि वो मान रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए पूछा है कि कहीं ना कहीं तो करता होगा, तो फिर वो निकालते हैं आप कैसे कर। तो एट x इक्वल टू 0 निकालते हैं पहले, तो LHL क्या हो जाएगा हमारा, LHL हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड टू 0 f 0 माइनस ये x माइनस h। अब x माइनस h है यानी कि x क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया हमारा लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पे f ऑफ माइनस h। अब हम यहाँ रखेंगे इसे x में रखा हमने, तो देखो यहाँ पर रखेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है हमारी वो 0 से छोटी, तो हमने रखा लिमिट h टेंड टू 0 m h का स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अब जब हमने ये रख दिया तो हमें पाएंगे कि h की वैल्यू रखी तो हमारा आंसर आएगा n। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, ये भी कुछ ऐसे ही निकलेगी, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h। अब x क्या है हमारा, 0 है, तो हमारा किस पे निकलेगा, f x इक्वल टू 0 पे लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ आया f h। अब जो h है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि हम 0.5 मान के चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव में आया, 0.5 किसमें है, 0 0 1 के बीच में है, ये आया हमारा, हमारा क्या आया n h प्लस m और लिमिट क्या है h टेंड टू 0, तो ये हमारा आया, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि h क्या है 0, 0 से भी मल्टीप्लाई 0 m आया। अब ध्यान से देखो, अब हमें पता है कि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है यानी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारा LHL RHL के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे कि जब जब m इक्वल टू, जब जब n इक्वल टू m होगा तब तब क्या होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिखना है एट एनी इंटीजर when n and m has same value limit will exist। अब जो दूसरा पार्ट है वो हमें बोला है कि लिमिट x टेंड टू 1 पे एग्जिस्ट कब करेगी, तो ये है हमारा लिमिट x टेंड टू 1 और फंक्शन क्या था हमारा fx, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी, वो है हमारी लिमिट
एच टेन टू जीरो एक्स माइनस एच, ठीक है एक्स माइनस एच है। अब एक्स इक्वल टू वन पे एट एक्स इक्वल टू वन क्या हो गया हमारा लिमिट एच टेन टू जीरो एफ वन माइनस एच। अब जो वन माइनस एच करा तो क्या आएगा हमारा 0.5 आएगा, और जब 0.5 आ रहा है वो क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा। अब यहाँ पे फंक्शन देखो तो 0 और 1 के बीच वाला कौन सा है, ये वाला एन एक्स प्लस एम, तो एन एक्स प्लस एम लिख दिया एन वन माइनस एच प्लस एम लिमिट एच टेन टू जीरो हो गया। तो अब एच जीरो रख दिया तो एन प्लस एम आया। अगला जो राइट हैंड लिमिट है तो राइट हैंड लिमिट भी हमारा कुछ ऐसा ही हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। अब एक्स प्लस एच है तो इसके लिए वन है, एक्स क्या वन है एट एक्स इक्वल टू वन आया नहीं, तो एक्स इक्वल टू वन के लिए हमारा फंक्शन क्या है एन एक्स क्यू प्लस एम, हमारा फंक्शन है एन एक्स क्यू प्लस वन एम। तो लिमिट एच टेन टू जीरो और यहाँ पे आया एफ वन प्लस एच, इसकी वैल्यू निकाली वहां से क्या आया लिमिट एच टेन टू जीरो एन वन प्लस एच का क्यूब प्लस एम। तो अब एच रखा जीरो आया, क्या आया हमारा तो लिमिट एच रख दिया हमने तो आएगी हमारी एन इंटू वन का क्यूब प्लस एम एन प्लस एम। तो हमें पता है एल एच एल क्या है, आर एच एल के बराबर है। अब यहां पर देखो एन इक्वल टू एम और एन इक्वल टू एम, ये तो हमेशा ही ट्रू होगा ना, लाइक कोई भी इंटीजर हो एन और एम तो वो हमेशा आपस में तो इक्वल होंगे उनका सम जो है, इसलिए हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड टू वन एफ एक्स विल एग्जिस्ट एट ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ m एंड n। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होता है, और जो बाकी ही सारे क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको खुद से करने हैं, और ये वाले भी आपको कम से कम दो बार करने हैं जिससे कि आपका ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है।